लोक पंचायत स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वीर शहीद केसरी चंद का 101वां जन्म उत्सव। विकास नगर जौनसार बावर लोक पंचायत के स्थापना दिवस के उपलक्ष पर वीर शहीद केसरी चंद का 101वां जन्म उत्सव मनाया गया। वहीं वीर शहीद केसरी चंद जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर लोक पंचायत कार्यालय से कोरोना संक्रमण को देखते हुए जन जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली लोक पंचायत कार्यालय जीवनगढ़ से होते हुए अंबारी डाक पत्थर और विकास नगर से वापसी कार्यालय पहुंचे। वहीं जगह जगह बाइक रैली का लोगों ने स्वागत किया। सूचना उपनिदेशक कमल चौहान ने कहा कि लोक पंचायत कार्यालय का गठन किया गया, साथ ही लोक पंचायत जौनसार बावर सामाजिक सरोकारों को समर्पित है। अतिरिक्त महानिदेशक कोष गार्ड कृपाराम नौटियाल ने कहा, कोविड बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए समाज को संदेश देने का काम कर रही है। लोक पंचायत जौनसार बावर पंचायत कार्यालय समाज में 4 सालों से कार्य कर रहे हैं। विकास नगर देहरादून से इंद्रपाल सिंह की ये रिपोर्ट। 2016 में इसका एक गठन हुआ था और लोक पंचायत जौनसार बावर में सामाजिक सरोकारों को समर्पित है और पिछले 4 सालों से लोक पंचायत सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। उसका आज स्थापना दिवस है। इसके अतिरिक्त वीर शहीद केसरी चंद का जन्म दिवस है, उसका भी आज आयोजन किया गया है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जौनसार बावर क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र में लोक पंचायत कार्य कर रही है, उसी के दृष्टिगत ये कार्यक्रम आज रखा गया है। अभी लगभग 100 से 150 बाइक हमने यहाँ से रवाना की है, वो पूरा डाक पत्थर और विकास नगर का पूरा एक राउंड लेगी और जगह जगह कोविड के दृष्टिगत कोविड से कैसे बचना है उसका एक मैसेज देगी, सामाजिक सरोकारों से रिलेटेड मैसेज पूरे पब्लिक को देगी और 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर वापस एकत्रित यात्रा होगी और फिर कार्यक्रम हमारा लोक पंचायत से रिलेटेड कार्यक्रम स्थापित होगा। और इतने सालों में लोक पंचायत ऐसा निश्चित रूप से, जैसे हमने कहा कि रोड बनाना या नहर बनाना ये कार्य सरकार करती है, लेकिन समाज के लिए जो कार्य करना होता है उसकी आशातीत सफलता लोक पंचायत को मिली है, उसको आप बखान नहीं कर सकते, लेकिन वो समाज में दिख रहा है। पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं, हमारा एक मैसेज था कि पलायन को कैसे रोका जा सकता है और उसकी हमको एक आशातीत सफलता मिलती है जौनसार बावर में कि पलायन रुका है और लोग वापस जुड़ रहे हैं। दूसरा हमारा मैसेज था कि सेवानिवृत्ति के बाद जो हमारे अधिकारी कर्मचारी देहरादून में रह रहे हैं, विकास नगर में रहे, वो गाँव कैसे जाएँ, उस पर भी एक आशातीत सफलता मिलती है, लोग अपने गाँव की तरफ रुक किया है। इसके अतिरिक्त जिसको सेवा बाहर करनी है वो तो मजबूरी है, उसको करनी पड़ेगी, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यदि वो घर आता है, अपना गांव देखता है, घर देखता है, तो हमारा एक ही मैसेज था। और सामाजिक सरोकारों को लेकर गांव की एकता कैसे बन सकती है, जागरूकता कैसे फैल सकती है, तो इन सब मुद्दों को लेकर इस लोक पंचायत का गठन किया गया और पिछले 4 सालों में हमको इसको आशातीत सफलता मिली और विभिन्न क्षेत्रों में जौनसार बावर के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और जौनसार बावर तो एक धार्मिक दृष्टि से बोलो या सामाजिक दृष्टि से बोलो या आप सांस्कृतिक दृष्टि से बोलो या ऐतिहासिक दृष्टि से बोलो, अपने आप में एक अच्छा स्थान